不离不弃。बॉस, आज मैं बिजी हूं, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। मुझे लगता है मैं आपको परेशान कर रहा हूं, मैं निकलता हूं। मैं आपके लिए दूसरी शर्ट लाती हूं। कॉपीराइट मिनिस्ट्री जल्द से जल्द हवालू का टाइम फाइनलाइज करेंगे, हमारी मीटिंग अरेंज करो। वो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है, मैं पर्सनली ऑफर नेगोशिएट करूंगा ताकि हमारी ईमानदारी दिखे। मैंने तुम्हें शूनू की सुरक्षा की फिक्र करने नहीं भेजा था, बल्कि हेगे ग्रुप की ऑफर जानने के लिए भेजा था। बस इतना ही, काम के समय फोन म्यूट करो। ठीक है मिस्टर शू। सी, यूनजू ट्रेनिंग में बेहोश हो गई है, वो ब्लैक ड्रैगन टीम के हॉस्पिटल में है। मैं शूटिंग की वजह से नहीं जा सकता, तुम उसका ध्यान रखना। डॉक्टर ने कहा वो ठीक है, शायद दो दिन पहले हुई सर्दी बुखार की वजह से हुआ होगा। मिस्टर शू, गाड़ी रोकिए। पर क्यों? मेरी बहन बेहोश हो गई है, मुझे उससे मिलने स्कूल जाना है। तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं नहीं, पास में ही है, आपकी मीटिंग है, मैं खुद चली जाऊंगी। जैंग? हाँ। थैंक यू अंकल जैंग। योंजो, योंजो क्या तुम ठीक हो? मैं करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जीशाओ कहाँ है? जीशाओ बिजी है, मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा है उसने। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम अब जा सकती हो। योंजो, बस बहुत हुआ, ये तुम मेरी अच्छी बहन बनने का नाटक बंद करोगी? मैं थक गई हूँ, मेरा बात करने का मन नहीं है। योंजो, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुमसे इतने दिनों से कांटेक्ट नहीं किया? क्योंकि हाल ही में हम दोनों के साथ बहुत कुछ हुआ है और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम शांत हो जाओ। और हाँ, तुम्हें पता है कांगो को बंद नहीं करने वाले। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा और मैं तुम्हारे बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं नहीं चाहूंगी तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। छोड़ो, किसी आखिर तुम रो क्यों रही हो? हाँ, तुम हमेशा रोने क्यों लग जाती हो, बताओ मुझे। जब 13 साल के थे तब हमारा पहला मैच था, मैं हार गई थी, मेरी नाक से खून निकल रहा था, पर तुम जीत कर भी देर तक रोती रही। मैंने सिर्फ दिलासा देने के लिए चुपचाप तुम्हारी पीठ थपथपाई। मैं हार गई थी और उस वक्त मैं जोर से रोना चाहती थी, और सच कहूं तो तब से मैं समझ गई कि हम दोनों अलग हैं। तुम सब कुछ अपने दिल में रखती हो और दूसरों की गलतियां बढ़ा देती हो और अपनी शिकायतें बता देती हो, और तुम्हें मुझे हर वक्त समझना पड़ता है। तुम्हें बात करनी होगी, मुझे बात करनी है तुमसे। मैं चाहती हूँ कि तुम जीशा उससे दूर रहो, उससे बहुत दूर रहना। मैं उसे पसंद करती हूँ, वो भी काफी वक्त से, पर वो सिर्फ तुम्हारी परवाह करता है। अब तुम्हें सब बता दिया। हे जीशा, मुझे टाइम नहीं मिला आज योंजू से मिलने का, क्यों ना कल तुम खुद ही उससे मिलने जाओ।
उसे स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, उसके लिए लेकर जाना मत भूलना। थैंक यू जीशा। कहाँ जा रही हो? मॉर्निंग जॉग। कल रात को क्या किया? मैं पूरी रात जागती रही और बहुत रोती रही। लेकिन क्यों? मुझे हमेशा लगता था कि मैं दूसरों का दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन कल मुझे पता चला कि मैं अपनों का ही दर्द नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने उसे चोट पहुंचाई। मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। किसका दर्द नहीं समझ पाई? रहने दीजिए, आप नहीं समझ पाएंगे। मैं जॉगिंग के लिए जा रही हूँ। नहीं, सुबह के वक्त एक्सरसाइज करना बहुत खतरनाक है। मिस्टर शो, मैं आपको पूछ नहीं रही हूँ, बल्कि मैं आपको बता रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि हेल्थ को खतरे में ना डालते हुए एक दूसरे की आदतों को रिस्पेक्ट करते रहना। तो मॉर्निंग जॉग करने से कॉन्ट्रैक्ट टूटने नहीं वाला। मैं चलती हूँ। कैसी? मिस्टर शो, आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ, मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है। तुम चाहो तो बंद कर सकती हो। हटो हटो हटो। अरे हटो, क्या तुम अंधी हो? तुम ही हो जो अंधे हो। ओ, ओ, क्या हुआ मिस्टर शो? आपको क्या हुआ? मेरी वजह से हुआ? तुम्हारा पैर मुड़ गया है। मोड़ दिया? हिलो मत। ऊपर आ जाओ। ये अच्छा नहीं लगेगा। आ जाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, लेकर आती हूँ। I'm so sorry. बैठ जाओ, मैं लेकर आता हूँ। सारे क्या तुम 7 पैसे लेकर आई हो? वो मैं जल्दी में लाना भूल गया। ठीक है, थैंक यू। लौटा दूंगा। ये लीजिए, मुझे दूध से एलर्जी है, पीने के बाद मेरा पेट खराब हो जाता है। आप पी लीजिए। आप अचानक से इतने खुश क्यों हो गए? ये खाने की वजह से क्या? खुश? वो भी मैं? क्योंकि मैं आपके यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। रात भर काम करने के बाद मैंने मॉर्निंग तक काम किया है। अब तक मुझे ऐसे स्टोर का एक्सपीरियंस मिल चुका है। मुझे काफी यकीन है ये खुशियाँ आपकी है। पर आप इतने अचानक से खुश क्यों हुए?
ये टेस्ट कीजिए। तुमने खा लिया? तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या? हाँ बस बस हो गया। जल्दी करो। मैंने कहा जल्दी खाओ। जल्दी खा तो रही हूँ। अजीब है, अभी अभी तो ये खुश थे, अचानक से इनको क्या हो गया? कैसी, तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं। मुझे 24 घंटे आपको सुरक्षा देनी है, आपकी नजरों से दूर नहीं जा सकती। मैं होलू काफी अजीब है, वो अपनी ही दुनिया में रहता है और अनजान लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। उसे तो अपने घर के ही कुछ लोग पसंद नहीं आते, बहुत अजीब है। क्या जितने भी राइटिंग में मास्टर होते हैं थोड़े साइको होते हैं क्या? मैं होलू? अब मैं होलू से मिलने जा रहे हैं? तुम उसे जानती हो? नहीं, वो मेरी बहन को उसके नॉवेल्स बहुत पसंद है। मैंने तुम्हें शूनू की सुरक्षा की फिक्र करने नहीं भेजा था, बल्कि हेगे ग्रुप की ऑफर जानने के लिए भेजा था। तुम अब मिस्टर वू के लिए काम करोगी। क्या हुआ? तुम पहले अंदर जाओ। तुम थोड़ा ध्यान नहीं रख सकती? चलो अंदर चलो, आराम से। तुम इतनी खुश क्यों हो? हाँ बिल्कुल, आपका हर वक्त बॉडीगार्ड बनना, करीब से सुरक्षा देना, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अरे यार बस करो। कैसी, अब तुम यहाँ रुक सकती हो? चुप हो जाती हूँ। आराम से। रुक जा, हिलना मत और मेरा इंतजार करना। कोई भी गलती मत करना वरना तुम्हें उसके लिए सजा मिलेगी, समझ गई ना? क्या मैं अंदर नहीं आ सकती? बिल्कुल नहीं। मैं ये कर सकती? मैंने कहा ना नहीं। मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ, मुझे आपके साथ रहना चाहिए। अगर मैं होलू को आपके दुश्मनों ने भेजा हो और जब आप लॉर जाओ के साथ अंदर जाएंगे और अगर वो धुआं छोड़कर आपको बैग में बंद करके लकड़ी से मारेंगे, तो उस समय आप मदद करने के लिए किसे बुलाएंगे? कैसे, तुम सच में कितना सोचती हो? क्यों ना ये नौकरी छोड़कर वालों की स्टूडेंट बन जाओ और नॉवेल्स लिखना शुरू कर दो। ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। बॉस वो आ रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैंने कहा ना भाई रुको, हेलो मत। जिशा तुम यहाँ? कोच मुझे ब्रेक चाहिए। हाँ ठीक है। जिशा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बहुत सारे शोज रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए तुमसे मिलने का वक्त नहीं मिल पाया। ये लो, तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरीज लाया हूँ। थैंक यू जिशा। ये लो। युंजू, माफ करना, मैं तुमसे मिलने नहीं आया। पिछली बार जब तुम बीमार थी तब भी नहीं आया। कोई बात नहीं, तुमने अब माफी मांग ली। टीचर डीर, मैं येंजिन हूं जिसे आपने कॉल किया था। ये है मिस्टर जू, आपने इन्हें बहुत बार न्यूज में देखा होगा। मैं कभी न्यूज नहीं देखता। ठीक है,
कोई बात नहीं टीचर डीर, कॉपीराइट की मिनिस्ट्री ने आपको कॉल किया था ना, आपका हेगे ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, हम वो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने की बात करने आए हैं। आप स्माइल क्यों नहीं कर रहे? अक्सर लोग नकली स्माइल देते हैं बिजनेस नेगोशिएशन के वक्त। टीचर डीर, गलत मत समझिएगा, ये स्माइल करते वक्त बहुत ही डरावने लगते हैं, इनको स्माइल मत करने दीजिए। मेरी स्माइल किसी काम की नहीं है डियर टीचर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दोंग दे कितने पैसे दे रहा है, हम आपको ज्यादा पैसे देंगे। नकली चीजों से ज्यादा मायने रखती है ईमानदारी, क्यों है ना? घटिया इंसान। आपको अचानक से गुस्सा क्यों आ रहा है? पता नहीं अंदर क्या बात चल रही है। तुम्हारे जैसे बड़े बॉस को रिएक्ट करना चाहिए। जब मैं तुम पे चिल्लाया, तुम हर जगह बिना एक्सप्रेशन के रहते हो, और तो और तुम्हें कोई इमोशन फील भी नहीं होता। इस तरह सिर्फ दो ही सिचुएशन है, एक तुम बहुत अकलमंद आदमी हो, दूसरा तुम पागल हो। तो जैसा आप जानते हैं मैं बीमार हूं, तो क्या आप तरस दिखाकर हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हैं? तुम्हारी बीमारी से मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों कंसेशन दूं? घटिया इंसान। कमाल है, कितनी कमाल की बात है, तुम दोनों एक दूसरे के ऑफर का वेट कर रहे हो, है ना? पर दूसरे का ऑफर क्या है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। एक दिन बाद कल इसी वक्त तक डेडलाइन खत्म हो जाएगी, अपना रिन्यूअल टर्म्स तैयार कर लो। जो भी पहले मेरी मर्जी की कीमत मुझे देगा, उसे उसकी कीमत चुका के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। वैसे इस तरह का खेल खतरनाक है, ऐसे खेल में ही मजा आता है। तो ठीक है, मैं समझ गया। ओके मिस्टर शू, क्या उन्होंने आपसे ठीक से बात की? हाँ बिल्कुल। कितने अच्छे से बात की? अच्छी नहीं हुई, हम नाकामयाब रहे। हाँ? इतनी चौक क्यों गई? क्योंकि मुझे कंपनी की और आपकी परवाह है, आखिरकार कंपनी मुझे खिलाती है। इन आर्टिस्ट को देखो, सब पागल लगते हैं। राइटिंग एक अलग चीज है, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अलग है, क्या वो बिजनेसमैन की तरह बात नहीं कर सकते? उन्होंने ऐसा क्या कहा कि इनको गुस्सा आ गया? हाँ? तुम्हें कैसे पता ये गुस्सा है? देखो ही नहीं, ये गुस्से में ही तो दिख रहा है। इनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो कैसे कह सकती हो? कैसे? बकवास मत करो। देखा आपने, उनका नाम लेते ही किस तरह से गुस्सा हो गया, ये इसलिए मैंने कहा। हाँ, कैसी है? जानती हो मेहोलो ने क्या कहा? उसने कहा मिस्टर जू घटिया है, बहुत ही घटिया इंसान है। उन्होंने सही तो कहा। सुनो जोयाशन, कॉपीराइट डिपार्टमेंट से कहो कि हालों की सारी रिपोर्ट्स दे, और पिछले सालों में सोशल नेटवर्क्स पर हुए डिस्कशंस भी। क्यों? उसका मकसद कौन सी पार्टी ज्यादा पैसे दे रही है ये नहीं था, वो बस मुझे और वू दोंगदे को बेवकूफ बनाना चाहता है। उसने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है, अब उसे लगता है कि उसे सब कुछ दिखाई देता है, और उसे लगता है कि वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। मुझे भी यही लगता है कि वो बहुत ही ऊपर उड़ रहा है। वो आदमी अकेले चलता है, वो बहुत अजीब है। जब भी वो दूसरे लोगों से बात करता है, उसे लगता है वो सबसे अलग है, वो सबको बहुत बेवकूफ समझता है। तो फिर यकीनन उसने कभी ना कभी खुद की इंफॉर्मेशन जरूर दी होगी। मैं पता लगाऊंगा कि उसे कौन सी चीज इस दुनिया में इंप्रेस कर सकती है। ठीक है, समझ गया। वो आदमी अकेले चलता है, वो बहुत अजीब है। जब भी वो दूसरे लोगों से बात करता है, उसे लगता है वो सबसे अलग है, वो सबको बहुत बेवकूफ समझता है। तो फिर यकीनन उसने कभी ना कभी खुद की इंफॉर्मेशन जरूर दी होगी। मैं पता लगाऊंगा कि उसे कौन सी चीज इस दुनिया में इंप्रेस कर सकती है। जूनू ने सही कहा, हमें पता करना होगा कि मे होलो आखिर क्या चाहता है। मिस्टर शू, मैं आपके ऑफिस से फाइल लेकर आता हूं।
केसी, आज तुम इतनी शांत क्यों हो? नहीं वो, मुझे बस थोड़ी सी घुटन सी हो रही है, मैं जरा बाहर घूम कर आती हूँ। देखा मैंने तुमसे कहा था कॉन्ट्रैक्ट पर तो सही। केसी, क्या ये करना सही है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना, अपने चेहरे पर इमोशंस बिल्कुल भी मत दिखाना। मिस्टर शो, मैंने जो आपके साथ किया वो सही नहीं है। कुछ ऐसा किया जो सॉरी बोलना पड़े? नहीं, मेरा मतलब है आप तो मेरे सारे दर्द ले रहे हैं, आपका इमोशंस आपका सीक्रेट है, पर मुझे सब कुछ पता चल जाता है। मुझे सच में बुरा लग रहा है। तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? हाँ, मैं आपके लिए ऐसा क्या कर सकती हूँ? अगर तुम कुछ सही करना चाहती हो तो मुझसे 100 गुना ज्यादा अच्छे से पेश आओ। ठीक है, मैं 100 गुना पे कर दूंगी, अच्छे से पेश आऊंगी। अंकल जैन, गाड़ी रोकिए, मुझे फ्लावर पॉट लेना है। अरे बेटा, किस तरह के फूल चाहिए तुम्हें? ठीक है, तुम ये क्या कर रही हो? मिस्टर शो, फ्लावर्स बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, चलो घर के लिए लेते हैं। आपका वो दुखी मकान कुछ घर जैसा दिखने लगेगा ना। मेरे घर में फ्लावर्स अच्छे नहीं लगते। प्लीज मिस्टर शो, मुझे जैस्मिन्स बहुत पसंद है, चलिए ना घर के लिए ले लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बूढ़े हो रहे हैं पर कमाने के लिए मेहनत करते जा रहे हैं, अपना अकेलापन दूर करने के लिए। बच्चों के बड़े होने तक उनका दर्द इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी आपकी और मेरी तरह है। ठीक है ले लो, पर मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ, जैसे मैंने कहा था मैं 100 गुना अच्छे से पेश आऊंगी। क्या तुम अंधी हो? नहीं तो मैं देख सकती हूँ कि आप बहुत हैंडसम हैं। क्या तुम्हें फूलों में फर्क नहीं पता? जब दोनों की प्राइस एक है तो बेस्ट वाला क्यों नहीं चुना? क्या तुम्हें लगता है ये घर पहुंचने तक जिंदा रहेगा? हाँ मैं जानती हूँ, इससे भी कई गुना ज्यादा बेहतर फूल हैं, सच में बेहतर है, पर सभी इस स्टैंडर्ड के तो नहीं है ना। तो कौन से स्टैंडर्ड के हैं? देखिए, वैसे भी इसे कोई नहीं खरीदने वाला, लेकिन वो नानी जो इतनी गर्मी में स्टॉल लगा कर खड़ी है, उनका तो नुकसान हो जाएगा ना। अगर हम ये फूल खरीदेंगे तो जैसे वो परेशान है, वो सोचेगी हे, मैं आज एक पागल से मिली थी, बुरा नहीं है। ऐसा करने से ना उनके सिर्फ बिजनेस में मदद होगी, बल्कि उनकी फीलिंग्स में भी। तुम सच में पागल हो। उसे वापस जिंदा तो नहीं कर रही ना? बिल्कुल, जाहिर है कि यह बेकार चीज है, टाइम वेस्ट मत करो। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं जान बचा रही हूँ किसी की। बताया आपको, जैस्मिन को सिर्फ थोड़ी सनलाइट चाहिए और थोड़ा सा पानी, फिर ये ग्रो करने लगते हैं। मेरी फैमिली गरीब थी जब मैं छोटी थी, मेरी मॉम के पास परफ्यूम खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो जैस्मिन मेरे कपड़ों पर लगाती थी।
इसलिए मुझे लगता है कि जैस्मिन की खुशबू दुनिया में सबसे बेस्ट है। क्या कर रहे हैं? आंखों में चुभ रहा है, देख रहा हूं। रुकिए, ये तो बस जैस्मिन है, आप इसे फेंक क्यों रहे हैं? हट जाओ। नहीं। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अरे मिस्टर शू, अभी इसी वक्त आपके मुंह के कोने के ऊपर एक नेचुरल कर्व था, एक बार शायद वो साइकोलॉजिकल रिएक्शन थी जब मैंने आपको गुदगुदी की। फिर से ट्राई करें? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बाद में मिलते हैं। मिस्टर शू, आपको पसंद नहीं है तो मैं मेरे कमरे में रख देती हूँ इसे, आपको लगेगा कि ये घर में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी घर में ना रहो, समझ गई ना? ये मुमकिन नहीं है। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? नहीं। तो तुम नहीं समझ पाओगे, जिसे पसंद करते हो उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ता है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फाइटिंग वैरायटी शो बिजनेस में हो, आखिर कौन है वो? चले जाओ वरना तुमसे ओवरटाइम करवाऊंगा। मैं जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता हूँ। हाय जिशाओ। युनजू, खाना खाया तुमने? अभी तक नहीं। चलो फिर डिनर पर चलते हैं, तुमसे कुछ बात भी करनी है। ठीक है। तुम फाइटिंग गॉडेस हो ना? हेलो बॉस, आपकी गर्लफ्रेंड तो फाइटिंग गॉडेस है। जाओ यार, बाय बाय। तो अब चले। Hey, Jasmine, Jasmine, तुमने उसके साथ क्या किया? हा? पर चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें बचा के रखूंगी। खुद को बढ़ने दो मजबूती से और अच्छे से उसे तंग करो। हेलो, युनजू, दरअसल आज मुझे तुमसे कुछ एडवाइस चाहिए थी। किस चीज में? मैं फाइटिंग का एक वैरायटी शो शुरू करना चाहता हूँ, तुम प्रोजेक्ट देखो तो कुछ एडवाइस कर सकती हो, ऐसा सोचा मैंने, तो इसलिए कहा। फाइटिंग वैरायटी शो? तुम ऐसा शो क्यों करना चाहते हो? मैं एक वैरायटी शो प्रोड्यूसर हूँ, मुझे फाइटिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है। फाइटिंग वैरायटी शो की बात करें तो इतना प्रोफेशनल मत हो, बस एंटरटेनिंग रख के चल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ये ध्यान रखना है कि शो हिट हो जाए, उसमें कुछ जान हो, वरना ग्रुप का सीईओ उसे अप्रूव नहीं करेगा। पर क्यों? जुनुओ कुआंगू स्टेडियम को तोड़ना चाहता है, उसे वायलेंस और फाइटिंग पसंद नहीं है, तो मार्केट वैल्यू दिखाऊंगा तो यकीनन अप्रूव कर देगा, नहीं तो इसे भूल जाना होगा। मैं तुम्हारे लिए चेक करूंगी। थैंक यू युनजू, प्लीज एंजॉय। मैंने सुना क्वांगहो स्टेडियम नहीं टूटेगा। फिलहाल तो ऐसा लगता है, लेकिन क्वांगहो में अभी कुछ नहीं बचा, पर मुझे शो बहुत ही अच्छा करना है। तो तुम्हारी सब मेहनत केसी की खातिर है? पूरी तरह उसके लिए नहीं,
मैं चाहता हूँ क्वांग हू में अंकल ली के लिन वे जुए वे इन सभी के जो सपने हैं वो पूरे हो जाए। तुम बाहर थी? मुझे मुझे भूख लगी थी, बिस्किट लेने गई थी। आपको चाहिए? बिल्कुल नहीं। मिस्टर शो, क्या आपने पता लगाया? किस बारे में? मैं हॉलो क्या चाहते हैं? हाँ, पता लगाया ना। मैं थोड़ी सी क्यूरियस हो रही हूँ कि वो चाहते क्या है आखिर। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, तो चुपचाप जाकर सो जाओ। केसी, तुमने अभी शूनुओं को पोस्टपोन करने दिया, लेकिन मुझ में काबिलियत है उसके स्टेडियम को एक ही बार में रीबिल्ड करने का प्लान बदलने में। देखो, मेरी मदद करो और क्वांग हू की किस्मत पूरी तरह पलट दो। केसी, तुम्हारा दिमाग काम करने लगा है? तुम ही हो जिसका दिमाग बंद है। ये मिस्टर शो लोगों को क्यों बता रहे हैं कि मेरे पास दिमाग नहीं है? तो फिर वो सर से चिपका होगा। ठीक है, लॉयर्स आओ। हाँ, क्या तुमने मैं हालू का कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर दिया? अभी तक नहीं। मिस्टर लिन जो ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले थे वो अभी वापस आए, हम मीटिंग करेंगे। तो क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल है। मिस्टर जू खुद ये मैटर देख रहे हैं। मेहुलू आएगा, चाहे वो बड़ा पांडा क्यों ना हो। अगर वो नाकामयाब हुए तो कंपनी बैंक्रप्ट हो जाएगी, मिस्टर शू सब खो देंगे। तुम क्या सोच रही हो? अगर टाइम मिले तो इसे पढ़ना, तुम्हारे दिमाग में कुछ जाएगा। मीटिंग का वक्त हो रहा है। किसी मेरे लिए एक कॉफी लाना। अच्छा रुको, रहने दो, मैं किसी और को बोलता हूँ। नहीं नहीं, मैं लाती हूँ। हाय, एक कैरेमल मैचेटो देना प्लीज। हाँ देती हूँ। अरे सी, हे जीशा, मैं बिजी थी इसीलिए तुमसे पूछना ही भूल गई। हाल ही में क्या तुम यूंजो से मिले? हाँ, कल ही हम डिनर पर गए थे। अच्छा अच्छा, उससे मिलते रहो। सी, थोड़े दिन रुक जाओ, मैंने सलूशन ढूंढ लिया है। क्या है? मैं फाइटिंग का वैरायटी शो शुरू करने वाला हूँ। मेन स्कीम कंपनी के पास अप्रूवल के लिए दी है। जब वैरायटी शो कामयाब होगा तुम्हें जुनुओं के साथ रहने की जरूरत नहीं होगी। क्या वैरायटी शो से मेरा और मिस्टर शो का लेना देना है? देखो, मैं ये क्वांग हू के लिए कर रहा हूँ। मैं सभी क्वांग हू के मेजर मेंबर्स को शो में इन्वाइट करूंगा और क्वांग हू को प्रमोट करूंगा। इससे शूनुओ क्वांग हू को आसानी से बंद नहीं कर पाएगा और क्वांग हू के लिए नए स्पॉन्सर्स भी ढूंढ पाएंगे हम। फिर क्वांग हू शूनुओ को कभी नहीं मिलेगा। खैर, वैसे क्वांग हू के लिए भागदौड़ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी सर, आपकी कैरमल मैजिटो। थैंक यू। क्या तुम्हें भी कॉफी पसंद है? ये मुझे दे दो प्लीज। तुम मेरी वाली ले लो, मैं जल्दी में आऊं। बाय बाय। क्या मतलब है आपका? फिर से कहिए। मैंने कहा कि प्राइस एडजस्ट करने के साथ साथ हम साथ में प्रॉफिट्स भी शेयर करेंगे।
और एक जरूरी कंडीशन साथ में होनी चाहिए, उसे पॉपुलर सिंगिंग शो ज्वाइन करने दो, वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के स्पेशल गेस्ट के रूप में। मिस्टर शु, हम बहुत सारी टर्म से निपटे हैं, पर इस तरह की टर्म हमारे पास पहली बार आई है, थोड़ी अजीब है। वो थोड़ा अजीब किस्म का इंसान है, मैंने बैठकर बहुत सारे इंटरव्यूज देखे उसके। ज्यादातर इंटरव्यूज में उसने बस यही कहा है कि अगर आज वो नॉवेल्स नहीं लिख रहा होता तो आज वो एक मशहूर सिंगर होता। उसने ये भी बताया है कि वो सिंगिंग में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, पर उसे कभी साबित करने का मौका नहीं मिला, तो ये उसके लिए दुख की बात है। उसे सिंगिंग शो में इनवाइट करना, वो दोंगरे इस तरह का बिजनेस दिमाग नहीं लगा सकता। डॉक्यूमेंट्स रख रही हूँ। ठीक है। म्यूजिक वैरायटी शो। हाँ, मिस्टर ज़ू ने कहा मैं होलू म्यूजिक टैलेंट शो में गया था और उसे लगता है कि उसके सिंगिंग टैलेंट को कोई नहीं जानता। वो बहुत ही सरफिरा आदमी है और वो चाहता है कि उसके टैलेंट को पहचाना जाए। क्या तुम्हारे लोग मैं होलू के होटल में इंतजार कर रहे हैं? वो लोग सुबह से वहाँ इंतजार कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंटेंशन ड्राफ्ट हो चुका है, कंडीशन भरने के बाद ओके हो जाएगा। मिस्टर वू, अगर हम अभी नोटिस दे दें तो मिस्टर ज़ू लेट हो जाएगा। मुझे लगता है ऐसे कंडीशंस के साथ साइन हो सकता है। मुझे भी ऐसा लगता है। लॉयर ज़ू, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या मिस्टर शो भी जा रहे हैं? मैं भी आऊं? मैं उन लोगों को साइन करने, मिस्टर ज़ू नहीं जाएंगे, यहीं रुको। अरे क्या मैंने मिस्टर शो और लॉयर ज़ू के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी? मैं क्या करूँ? अगर इन्हें यह पता चल गया कि मैंने बताया है तो मिस्टर शो मुझे मार डालेंगे। नहीं, मैंने यह कोंगो को बचाने के लिए किया है। मिस्टर शो ने कोंगो का पहले नुकसान करना चाहा। केसी, तुम क्या सोच रही हो? चलो नीचे चलो। हाँ ठीक है। पर रिजल्ट नहीं पता। आप यहाँ कॉफी पीने के मूड में क्यों हैं? क्यों नहीं पी सकता? मिस्टर वो इसके बारे में नहीं सोच सकते और मैं हुआलू जरूर हमें ही चूज करेंगे। क्या आप इतने कॉन्फिडेंट है? तो बताओ मुझे, तुम्हें बॉक्सिंग क्यों पसंद है? आप बॉक्सिंग के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, उसने लड़कियों के लिए बॉक्सिंग शो शुरू किया है, क्या वो तुम्हारे लिए है? बिल्कुल नहीं, ज़ी शाओ को भी बॉक्सिंग बहुत पसंद है, मेरे लिए नहीं। बोलो जावेशिन, काम हो गया?